नमस्कार, मैं रोशन हूँ। और जैसे हम खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, पहलवानों के आंदोलन की, उसमें मैंने बहुत सारे तथ्य आपको बताए, खिलाड़ियों का पक्ष बताया, ब्रजभूषण का भी पक्ष बताया, सरकार का भी पक्ष बताया, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज पे कि कैसे कुश्ती संघ को लेकर राजनीति चल रही है, उन सब चीज़ें बताई। आज मैं आपको एक और तथ्य बताना चाहता हूँ कि इस आंदोलन के कारण कैसे इन खिलाड़ियों ने अपना नुकसान किया और अपने साथ साथ देश के स्वाभिमान से भी खिलवाड़ किया है। जो हमारे तीन चार एक पहलवान है, ये देश के शीर्ष पहलवान है। इसमें बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगट और रवि मलिक, ये बड़े खिलाड़ी हैं और ये देश के लिए मेडल जीतते हैं, देश का नाम ऊंचा करते हैं और देश का झंडा जब फहराते हैं, जब ये मेडल जीतते हैं, जो जनगण मन जब राष्ट्रगान होता है तो कितना फख्र होता है। यही खिलाड़ी कैसे तिरंगा लेकर चलते हैं और बड़ी खुशी जाहिर करते हैं। ये मौके कितने लोगों के पास होता है, 140 करोड़ की आबादी है और उसमें से हम टोटल बात कर लें ओलंपिक, इसी बार अगर हम ओलंपिक पदकों की बात करें तो हम मुश्किल से 7-8 पदक हम कुल लेके आए थे, नहीं तो कभी एक पदक लाते थे, कभी दो पदक लाते थे, कभी पदक लाते ही नहीं थे, खाली हाथ लौटते थे। तो कितनी बड़ी ये उपलब्धि है कि आप देश के लिए पदक लेके आए। लेकिन इस आंदोलन के कारण एक इशू था आपका, और उस इशू में मुझे ऐसा लगता था कि आंदोलन की जरूरत ही नहीं थी। आपने कंप्लेन कर दी पुलिस में, तो पुलिस अपना काम करे, FIR हो गई, अब वो जांच करे। जो भी हो, आपका आंदोलन किसी से भी प्रेरित रहा हो, लेकिन इसमें आपने अपना नुकसान किया और अपने के साथ आपने देश का नुकसान किया। जो बजरंग पुनिया और विनेश फोगट हैं, इनके लिए ओलंपिक की तैयारी के तहत जो टारगेट ओलंपिक पोडियम एक स्कीम है, उसके तहत बड़े खिलाड़ियों को विदेश में ट्रेनिंग लेने के लिए मौका दिया जाता है, उसका सारा खर्चा सरकार उठाती है। 2023 से पहले तक इन दोनों खिलाड़ियों पर सरकार ने 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए थे और इस बार जो दिनेश ये बजरंग पुनिया है, इनको टारगेटेड ओलंपिक पोडियम के तहत अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण के लिए 16 दिनों के लिए चोलपोन अटा किर्गिस्तान में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। यह रिक्वेस्ट बजरंग पुनिया ने खुद की थी कि मुझे अंतरराष्ट्रीय शिविर चाहिए क्योंकि ओलंपिक की तैयारी करनी है, तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने मंजूर की और उनको तुरंत कहा कि 16 दिन के लिए आप किर्गिस्तान के चोलपोन अटा क्षेत्र में जाइए, जहां कुश्ती लड़ी जाती है, जो बड़े मैच होते हैं, और किर्गिस्तान के आप देखते होंगे कि पहलवान कितने जबरदस्त होते हैं। और उसके अलावा जो पोलैंड का स्पाला है, वहां 11 दिन की ट्रेनिंग के लिए विनेश फोगट को मंजूरी मिली थी। इन दोनों खिलाड़ियों को इन्होंने रिक्वेस्ट की थी, सरकार ने माना, अब इनको अप्रैल में जाना था, लेकिन इन लोगों ने सारी औपचारिकता पूरी करने के बाद मना कर दिया। इन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन चल रहा है और इस ये आंदोलन कमजोर हो जाएगा, इसलिए हम नहीं जा सकते। एक आंदोलन के लिए, उस आंदोलन के लिए जिस आंदोलन का भाग कुछ निकलना नहीं है, जो FIR होगा, जो कोर्ट करेगा, वो अलग है। पर इस आंदोलन का, क्योंकि जैसे किसान आंदोलन था, उसमें 3 कानूनों को वापस लेने की बात थी, सरकार को करनी थी, सरकार के खिलाफ आंदोलन होना था, सरकार को वापस करना पड़ा। पर जो ये आंदोलन है, वो सरकार के खिलाफ नहीं है, ये एक इंडिविजुअल के खिलाफ है और एक क्राइम के लिए है। आप कह रहे हैं कि इन्होंने महिलाओं के साथ, जो महिला पहलवान है उनके साथ इन्होंने मिसबिहेव किया है, उसके लेके तो पुलिस का काम है, कोर्ट का काम है। तो इसके लिए 2 बड़े टूर आपने छोड़े। जो तीसरा है, और ये इम्पोर्टेंट है, कि जो टारगेट ओलंपिक पोडियम है, इसके तहत आपको जो सुविधाएं मिलती है वो अलग है। उसके अलावा सरकार इन खिलाड़ियों, यानी बजरंग पुनिया और विनेश को 50,000 रुपए जेब खर्चा देती है। इसका नाम है आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस, यानी जेब खर्चा उसको बोलते हैं, महीने का 50,000 रुपये सरकार देती है कि आप खाइए पिए, कुश्ती करिए, अपनी फिटनेस रखिए और मेडल जीत के लाइए। तो ये आपको मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है। और बजरंग और विनेश
फोगाट को 1 फरवरी से क्रोएशिया की राजधानी जगरेब ओपन में जाना था। ये नंबर एक का शीर्ष का जिन्हें कुश्ती का नंबर एक का ये टूर्नामेंट था और इनको यहाँ जाना था। यानी इतनी सुविधाएं लेने के बाद जब आपको यहाँ जाना था, लेकिन आपने आखिरी समय में दोनों ने अपने नाम वापस ले लिए और कहा कि वो इस प्रतियोगिता के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि आप आंदोलन कर रहे थे तो तैयार कैसे होंगे, जंतर मंतर में तो पहलवानी होगी नहीं। तो इसलिए आपने ये पहला टूर्नामेंट जो था इस साल का जो 1 फरवरी से होना था वो भी उसमें भी आप नहीं गए। और 23 से 26 फरवरी के बीच में दूसरी रैंकिंग की सीरीज इब्राहिम मुस्तफा ट्रेनिंग, इसमें भी आपने भाग नहीं लिया। इसमें आपने नाम लिया लेकिन चूंकि आंदोलन शुरू हो गया तो आपने कहा कि हम इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। और तीसरा कि जब भारत में, इसके अलावा भारत में 28 मार्च से 2 अप्रैल तक 28 मार्च से 2 अप्रैल तक एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप होनी थी, लेकिन आपने आंदोलन किया और इसका ऐसा मैसेज गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती फेडरेशन है उसने भारत की मेजबानी छीन ली और ये मेजबानी अस्ताना यानी कजाकिस्तान को दे दी और अस्ताना में ये मैच हुए। और यही नहीं, इस मैच में ये तीनों बड़े पहलवान यानी बजरंग पुनिया, विनेश फोगट और रवि, ये तीनों नहीं गए, जूनियर प्लेयर गए, तो हम वहाँ मेडल नहीं जीत पाए। तो देखिए आपने अपने को नुकसान किया कि आप नहीं, 3 टूर्नामेंट आपने छोड़े। जो पहला टूर्नामेंट था जो जनवरी में होना था वो आपने छोड़ा, और क्रोएशिया की राजधानी जो जगरेब में होना था वो उसमें आप नहीं गए, जो दूसरी रैंकिंग थी इब्राहिम मुस्तफा टूर्नामेंट उसमें भी आप नहीं गए, और तीसरा जो एशियाई खेल एशियाई कुश्ती फेडरेशन में भी आप नहीं गए। और भारत में वो होना था, अगर भारत में होता तो सोचे कि पहलवानों के लिए कितना अच्छा था, एक माहौल मिलता जो पहलवान बाहर नहीं जा सकते देखने के लिए विदेश में, वो अपने देश में अगर अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा देखते हैं तो उनको और भी इंस्पिरेशन मिलती है। आप ही लोगों से नहीं तो आप भी उसमें नहीं गए। और अब ये दो तीन जो भी खिलाड़ी हैं, अब इनका क्या हुआ इनके आंदोलन का, कि अब उस आंदोलन को जो जाट नेता हैं राकेश टिकैत और नरेश टिकैत, इन्होंने अपने हाथ में ले लिया है, खाप पंचायत के प्रधान है। तो खाप पंचायत अब आज उन्होंने उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ में उन्होंने एक सभा की थी, पंचायत की थी, और ये पंचायत अब कुरुक्षेत्र में होगी और कुरुक्षेत्र में तय करेंगे कि हमें इस आंदोलन को कहाँ लेके जाना है। यानी खिलाड़ियों का आंदोलन अब किसान नेताओं के हाथ में चला गया है, तो खिलाड़ियों को भी सोचना चाहिए कि उनके कैरियर अपने कैरियर से खुद खिलवाड़ कर रहे हैं। और जो FIR है वो अपनी जगह है, वो FIR हो गई है, पुलिस अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना काम कर रही है। कोर्ट में जब ये ट्रायल पर आएगा तो कोर्ट उसमें देखेगी उसके मेरिट्स क्या है, सजा देनी है नहीं देनी है कोर्ट का काम है। तो मुझे लगता है कि खिलाड़ियों को थोड़ा गंभीर होकर और परिपक्व होकर निर्णय लेने चाहिए और अपने कैरियर और अपने देश की जो कुश्ती है, जो कुश्ती में उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, अब उस नाम को खराब नहीं करना चाहिए। तो मेरा भी यही आग्रह रहेगा कि जो ये पहलवान है असल में बच्चे हैं और इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, इनको इंस्पायर करने की ज़रूरत है कि ये खेल के मैदान में आप अखाड़े में जाएं, अखाड़े में अपनी कुश्ती लड़ें, और ये जो राजनीति इसमें हो रही है जो कुश्ती की राजनीति है उसको उससे बाहर निकल जाएं। क्योंकि जो काम होना था, जो आपने आरोप लगाया उस पर जाँच चल रही है, उस जाँच का क्या नतीजा निकलेगा वो कोर्ट तय करे। और लेकिन आप खेलिए, आप अखाड़े में जाइए, अपना समय खराब मत कीजिए और अखाड़े में फिर देश का नाम रोशन करिए, अपना और अपने देश का नाम रोशन करिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।